वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर की सोशोलॉजी के लघुत्तर प्रश्न कराने वाला हूं, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रश्न नंबर है 9, संघर्ष की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपसे संघर्ष की विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो संघर्ष की विशेषताएँ जो हैं आपकी, वो सामाजिक, वो सॉरी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है, और निरंतर प्रक्रिया है, दो या दो से अधिक इकाइयाँ, चेतन प्रक्रिया और हिंसा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्वभौमिक प्रक्रिया। संघर्ष की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संघर्ष जो है वो कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। संघर्ष जो है वो विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है, ठीक है। सेकंड कह रहा है हमारा अनिरंतर प्रक्रिया। इधर भी संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, किंतु यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि संघर्ष जो है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया तो है, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोसेस तो है, लेकिन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। वरन यह एक अंतर्विराम प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अंतर्विराम प्रक्रिया है, जो समाज में रुक रुक कर चलती रहती है, ठीक है। निरंतर प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? जो समाज में रुक रुक कर चले, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट हमारा दो अथवा दो से अधिक इकाइयाँ। संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सदैव दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति, वर्ग अथवा समूह के सदस्य सम्मिलित रहते हैं। संघर्ष की जो प्रक्रिया है उसमें कहा है उन्होंने कि जिसमें दो व्यक्ति होंगे या दो से अधिक व्यक्ति हैं या वर्ग है या उनका समूह है वो उसमें शामिल रहते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा चेतन प्रक्रिया। संघर्षशील व्यक्ति, समूह अथवा वर्ग के सदस्य एक दूसरे के प्रति पूर्णतया चेतन अथवा जागरूक होते हैं। वास्तव में ये चेतन रूप में ही संघर्षशील रहते हैं, ठीक है। फाइव पॉइंट हमारा हिंसा। संघर्ष में अधिकांशतः हिंसा पाई जाती है। संघर्ष उसमें क्या पाया जाता है? उसमें हिंसा पाई जाती है। वह इस रूप में कि इसमें लोग अपने विरोधी को हिंसा के द्वारा हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है आपका, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।